हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एके श्री एजुकेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का, और ये सीरीज नहीं दोस्तों, एक जर्नी है, और इस जर्नी में आपको हमारा साथ और हम आपका साथ जरूर देंगे। इस जर्नी में हमें आप इंजन बना के रखिए, आप अपने डिब्बे बना के रखिए, और इस हम लोग मंजिल पहुँचेंगे तो साथ साथ, अगर नहीं पहुँचेंगे तो हम लोग दोनों साथ में रुक जाएंगे। तो ऐसी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको हिंदी का एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल एक सिलेबस के बारे में इसका डिफाइन करूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे हर इस जर्नी में इंजन, जैसे ट्रेन का डब्बा होता है ना, कि हर एक स्टेशन के बाद एक स्टेशन आता है और तब हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं अपने स्टेशन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे यही एक समझ लीजिए कि जितने भी टॉपिक हैं एक स्टेशन के समान है। आपको किस स्टेशन पे छोड़ना है ये आपकी जिम्मेदारी और आपको सोचना है। मेरा जो स्टेशन स्टार्ट होगा दोस्तों वर्णमाला से, और खत्म होगा और ला करके पुरस्कार पे। सोच लीजिए कि आप अगर इस जर्नी में अगर बीच में आप अगर रुक जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंचवाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जर्नी, ये सीरीज आपको पूरा अंत तक लेकर के जाऊंगा। लेकिन कब, सबसे बड़ा मोटिवेशन है आप जितना अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर आप हमको देख रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लमें आ रही हैं, मुझे बताइए, मैं वहाँ पे सोल्यूशन करूँगा। और जब तक हमारा आपका इंटरेक्शन नहीं बनेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने और न पढ़ाने में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस सीरीज में हम लोग तीन खंड को मैंने बांटा हुआ है हिंदी को। एक खंड क में व्याकरण है, खंड ख में आपके शब्द और वाक्य हैं, ये भी व्याकरण के ही पार्ट हैं, और खंड ख में ग में आपके साहित्यिक हैं। तो ये पोर्शन है तीन खंड में, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा वर्णमाला। वर्णमाला आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा टॉपिक है। मैं आपको दो वीडियो में इतना आराम से कवर कर दूंगा कि आपको कुछ भी पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। वर्णमाला है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, संधि है, समास है, विराम चिन्ह है, उपसर्ग प्रत्यय है, वर्ण विन्यास है, वर्तनी है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि व्याकरण में हमको खंड ख में इतने पार्ट पढ़ने हैं। खंड ख में आपको रस, छंद, अलंकार, अगर आप 9 से 12 तक के क्लास में हैं या अन्य कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सबको पता है कि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि कितना भी छंद, कितना भी रस, अलंकार पढ़ लीजिए, एग्जाम में कन्फ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन मैं रिसर्च करके आपके सामने ऐसे ऐसे टॉपिक रख दूंगा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स रख दूंगा जो हर बार एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इन सबको समेट करके मैं खुद लेकर के आपके सामने आऊंगा, खाली विश्वास कीजिए। अब वाक्य है, वाक्य शुद्धि है, विलोमार्थी है, पर्यावाची है, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे हैं, अपठित गद्यांश है, लिंग वचन कारक हैं, ताकि तत्सम तद्भव शब्द रूप है। ये सब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताऊंगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है दोस्तों, वो ये है, ये सब तो कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब कि एक तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ इसका ये हो सकता है, लेकिन इसमें आप कोई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कैसे, जैसे अगर प्रेमचंद की जो भी उनकी रचनाएं हैं, प्रेमचंद की जो रचना है वो जो है सो है, उसको आप कोई कॉन्सेप्ट के द्वारा नहीं पढ़ पाएंगे। उसको आप बहुत कर सकते हैं ट्रिक वाइज पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट से इसमें पढ़ने की कोई जरूरत, क्योंकि ये रटने वाली चीजें हैं, ये रटने वाली चीजें, इसमें कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, इसमें काम करता है ट्रिक। तो मैं आपको ट्रिक, ऐसे ऐसे ट्रिक लेकर के जोड़ दूंगा कि आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फिलहाल इस हिंदी के पहले इस वीडियो में मैंने केवल सिलेबस के बारे में डिफाइन किया है, और मेरे प्यारे दोस्तों विश्वास कीजिएगा मैं आपको पूरा वर्ड, जो वर्णमाला है, जितने भी टॉपिक हैं, सब एक एक करके कवर कर दूंगा मैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एयरफोन लगाइए, मेरा वीडियो देखिए, विश्वास कीजिएगा कि। और वीडियो देखने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा टेलीग्राम पे, मेरा चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और इसका एक प्रैक्टिस, यानी कि पढ़ाएंगे भी, और पढ़ाने के साथ आपको टेलीग्राम पे क्या देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे। अभी फिलहाल मैं टेलीग्राम पे प्रैक्टिस दे रहा हूँ, आगे चल करके मेरा एक ऐप और ऐप बन रहा है, बनने में जो भी समय लग जाए वो बनेगा, तो सारा चीज मेरा प्रैक्टिस उसी ऐप पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।